दोस्तों, अगर किडनी में खराबी आती है या फिर किडनी खराब हो जाती है तो यह किसी गंभीर समस्या या मृत्यु तक का कारण बन सकती है। आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में किडनी के खराब होने की स्थिति में उसे आरटीपीसीएल किडनी से रिप्लेस किया जा सकता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच है कि साइंटिस्ट आरटीपीसीएल किडनी को विकसित कर रहे हैं जो वास्तविक अंगों के काम को दोहरा सकती है और इससे डायलिसिस की आवश्यकता संभावित रूप से समाप्त हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता एक ऐसी प्रत्यारोपण किडनी विकसित कर रहे हैं जो वास्तविक किडनी के कार्यों को बारीकी से दोहरा सकती है। यदि वे सफल होते हैं तो किडनी वैज्ञानिकों का काम डायलिसिस की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद कर सकता है। एंड स्टेज रिनल डिजीज से पीड़ित रोगियों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट को अधिक सफलता भी मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में किडनी ट्रांसप्लांट की जगह आरटीपीसीएल किडनी ले लेगी। इस डिवाइस का मानव परीक्षण भी शुरू हो चुका है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ सवाल और जवाब जो आपको जानने चाहिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आ पाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें पहला सवाल है कि आरटीपीसीएल किडनी हमारे शरीर में इम्प्लांटेशन के बाद कैसे काम करेगी। तो देखिए, इस किडनी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला जो भाग है उसको हम हीमोफिल्टर बोलते हैं और दूसरे भाग को बायोरिएक्टर बोलते हैं। अगर हम यहाँ हीमोफिल्टर की बात करें तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में जो भी टॉक्सिन होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालता है। दूसरा होता है बायोरिएक्टर, इसके मुख्य तीन काम होते हैं। इसका जो पहला काम है वो है तरल पदार्थ को मेलेंस बनाए रखना, यानी कि हमारे शरीर को पानी की जितनी आवश्यकता होती है उतना रखना और बाकी का जो पानी है वो बाहर निकालना। इसका दूसरा कारण है हार्मोन का प्रोडक्शन करना। और इसका तीसरा और इंपॉर्टेंट काम है इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्लोराइड होगा, इनके बैलेंस को मेंटेन बनाए रखना। दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट है सवाल है वो ये है, आरटीपीसीएल किडनी की साइज कितनी हो सकती है। तो देखिए, बायो आरटीपीसीएल किडनी या फिर इसको हम आरटीपीसीएल किडनी कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी जो साइज है वो एक कॉफी का कप के जितना है। इसमें दो मॉडल्स हैं जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो इसकी साइज है वो एक कॉफी के कप जितनी होती है। इसमें नेक्स्ट जो सवाल है वो है, आरटीपीसीएल किडनी की सर्जिकल प्रोसीजर क्या है और इसकी सर्जरी कहाँ करवा सकते हैं। तो देखिए, आरटीपीसीएल किडनी का जो सर्जिकल प्रोसीजर वैसा ही है जैसा किडनी ट्रांसप्लांट का सर्जरी होती है, यानी कि हम जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं सेम वैसा ही आरटीपीसीएल किडनी की सर्जिकल प्रोसेस है। इसे जनरल एनेस्थेसिया देकर किया जाता है और एक बार जब यह आरटीपीसीएल किडनी डिवाइस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा तो इस प्रक्रिया को किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं। वहां पर एक ट्रेंड जो ट्रांसप्लांट सर्जिकल टीम होगी उसके साथ पूरा किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और रही बात यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर कहाँ करवाने की, तो देखिए, जब ये इंडिया में आ जाएगी तो लगभग हॉस्पिटलों में ये उपलब्ध हो जाएगी, तो आपको जो भी हॉस्पिटल अच्छा लगे आप वहाँ पर ये किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आरटीपीसीएल किडनी में पाए जाने वाले फिल्टर्स कैसे साफ होंगे। तो देखिए, आरटीपीसीएल किडनी में कुछ फिल्टर्स पाए जाते हैं, उनको कैसे साफ करना है, तो इनके लिए है कि इनमें जो फिल्टर को एक जो विशेष पतली बायोकम्पेटिबल फिल्म के साथ कोट किया गया है ताकि इसे गंदा होने से और इसमें जो रक्त के थक्कों को बनने से रोका जा सके और यही जो कोटिंग है इसे गंदा होने से बचाएगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि आरटीपीसीएल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितने सालों तक काम करेगी। तो इसका देखिए जवाब ये है कि यह डिवाइस, मतलब इस डिवाइस को अगर एक बार कोई भी मतलब आदमी या मनुष्य के शरीर में लगा दिया जाएगा ना, तो ये एक स्थायी यानी कि परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में जो भी परीक्षण और अनुसंधान चल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि इस डिवाइस को बिना किसी असफलता के कई वर्षों तक ऑपरेट करना संभव हो सकता है। अगर इसमें कोई भी समस्या आती है ना, यानी कोई भी समस्या आ गई, तो ये जिसके जो फिल्टर्स होते हैं या फिर कोशिकाओं की इनकी जो रिप्लेसमेंट है उनमें कम से कम इन्वेसिव सर्जरी का सहारा तो लिया जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरी प्रक्रिया आसान और आरामदायक रहेगी। और आगे इसमें सवाल है, क्या आरटीपीसीएल किडनी के बाद इम्यूनो सप्रेस्ड और एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स लेनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि इम्यूनो सप्रेस्ड और एंटीकोएगुलेंट ये जो ड्रग्स होती है क्या होती है। तो देखिए, जब हमारा जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट होता है या हम करवाते हैं उसके बाद डॉक्टर्स हमें लाइफ टाइम तक कुछ मेडिसिन देते हैं
जिससे क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो कमज़ोर बना रहता है, क्योंकि ये कमज़ोर न होने की वजह से हमारा शरीर उस किडनी को वापस रिजेक्ट कर देता है, इसलिए हमें ये इम्यून सप्रेस ड्रग्स दी जाती है। और रही बात यहाँ पे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की, तो देखिए जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करने में ये ड्रग्स काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जानते हैं ड्रग्स के बारे में। तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी के जो बायोरिएक्टर है, यानी उसमें जो सेल्स और प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून पावर है, उसको एक स्केफ फोल्ड द्वारा अलग कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले के जो ह्यूमन ट्रायल में बड़े पैमाने पर जो बायो आर्टिफिशियल किडनी के लिए किसी भी तरह की कोई भी एंटी रिजेक्शन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, और जो अभी हाल ही में जो प्रीक्लिनिकल जो प्रयोग चल रहे हैं उसमें भी ये जो ब्लड थिनर की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ी। और इन सब का कहने का मतलब ये है कि हमें ये मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे सवाल है कि क्या पॉलीसाइटिक किडनी रोगी और FSGS यानी कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के रोगी आर्टिफिशियल किडनी लगवा सकते हैं? तो देखिए इसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो कहना है कि हम इन रोगियों के लिए एक उम्मीदवार बनने का इरादा रखते हैं, यानी कि किसी भी मामले में जहां किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी डिवाइस है ये आर्टिफिशियल किडनी है, एक रोगी के लिए जीवन शक्ति का विकल्प बने। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर्टिफिशियल किडनी की GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी हो सकती है? तो देखिए अभी जो आर्टिफिशियल किडनी की जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं वह इसमें क्या है कि स्टेप अभी कुछ इसमें बाकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो GFR रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये 20 से 30 ml पर मिनट का हमें दे सकते हैं, यानी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे है कि यदि आपकी किडनी 15% खराब हो गई है तो क्या आपको आर्टिफिशियल किडनी मिल सकती है? देखिए यह एक विस्तृत प्रकार का केस है, इसलिए यह रोगी के स्थिति पर निर्भर करेगा, और साथ में ही रोगी और उसके जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा पहले यह तय किया जाएगा कि इसको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है या फिर नहीं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल किडनी का क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे और कहाँ करवा सकते हैं? तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप आर्टिफिशियल किडनी के ट्रायल्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहाँ जाकर अच्छे से देख सकते हैं। अब रही बात कि कहाँ करवाए, तो देखिए यह अमेरिका के अंदर अलग अलग स्थानों पर होने की संभावना है। अगर हम लगभग देखें तो यह सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया या फिर टेनसी में करवा सकते हैं, क्योंकि ये वे स्थान है जहाँ वर्तमान में द किडनी प्रोजेक्ट टीम का अधिकांश भाग आधारित है। आगे सवाल है कि आर्टिफिशियल किडनी के आने में देरी क्यों हो रही है, मतलब क्या कारण हो सकता है? देखिए आर्टिफिशियल किडनी एक चुनौतीपूर्ण तकनीक है, अभी इसकी समय सीमा की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पिछले ही 2-3 सालों में पेंडेमिक डिजीज की वजह से भी इसको स्थगित कर दिया गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी मानव में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको मार्केट में लाएं या फिर मानव में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करें। अब अगला सवाल है आर्टिफिशियल किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? तो देखिए इस डिवाइस के भी साइड इफेक्ट वैसे ही होंगे जैसे कि अन्य प्रोसीजर में होते हैं, यानी कि हम नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनमें जो साइड इफेक्ट होते हैं सेम वैसे ही इनमें ही होगा, जैसे कि ट्रोमा हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया आदि, इसी से जुड़ी भी कोई मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इनके अलावा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी की प्राइस रेट कितनी हो सकती है। देखिए मेन क्वेश्चन यही है कि जब ये आएगी मार्केट में तो इसकी जो प्राइस, इसका जो पैसा वो कितना लगेगा? तो दोस्तों अगर यहाँ पर प्राइस रेट की हम बात करें तो आर्टिफिशियल किडनी के जो शोधकर्ता है उनका कहना है कि इस डिवाइस की लागत किडनी ट्रांसप्लांट की लागत से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और साथ में उनका यह भी कहना है कि हम नहीं जानते कि डिवाइस जारी होने के समय जो भी भविष्य में व्यापार है और जो आर्थिक माहौल है वो कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर यह बता दें कि जो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के जितने पैसे लगते हैं उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है कि क्या जो आर्टिफिशियल किडनी है उसका इंश्योरेंस हो सकता है क्या? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कहना है कि इस डिवाइस के क्लिनिकल परीक्षण होने के बाद हम जो मेडिकेयर और जो भी बीमा कंपनी है उन दोनों से बात करेंगे बीमा कवरेज के आवेदन की। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा रिसर्च बताता है कि डायलिसिस की तुलना में जो ये जो इम्प्लांटेबल बायो आर्टिफिशियल किडनी है वो 50% से अधिक लागत है वो बचत प्रदान कर सकती है, जैसे कि हम अनुमान लगाते हैं कि इस डिवाइस का जो कवरेज है वो निर्णय लेने वालों के लिए आकर्षक
अब अगला सवाल है कि आर्टिफिशियल किडनी के क्लिनिकल ट्रायल्स होने में और कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें डॉक्टरों और साइंटिस्टों का कहना है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इस आर्टिफिशियल किडनी को मार्केट में लाने के लिए, लेकिन कुछ और ट्रायल्स अभी बाकी है तो वह पूरा करने में हमें कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन जब तक आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार डायलिसिस करवाते रहे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और दोस्तों यह वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।